तो अनिका मुझे बोल रही थी उसे बिस्किट केक खाना है, पहले मैं उसे बना कर देती थी तो बस उसी का डिमांड उसे लगा रखा है। सो मैं पार्ले जो हाइड एंड सीक और बॉर्बन सारे बिस्किट डालकर ये बनाने वाली हूँ बिस्किट केक। अब मैं इसमें लगभग 4 बड़े चम्मच शुगर डालूंगी। वैसे बिस्किट में शुगर होता है पर थोड़ा सा हम भी डालेंगे, ठीक है। तो मैं 3 ही डाल रही क्योंकि 3 इनफ होगा। और आपको हाँ ये इनो भी लगेगा, ठीक है, ये ब्लू कलर का ही इनो चाहिए। और अभी इसको मैं मिक्स करूंगी दूध में। ओके, तो बैटर जो है वो तैयार है। ये बैटर जो है ये इतना कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए, मतलब फॉर्म कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब मैं इसमें इनो डालूंगी, पर उससे पहले मैंने अपना जो क्या बोलते हैं, आज मैं एयर फ्रायर में बना रही थी, उसे मैंने प्री हीट के लिए रख दिया है क्योंकि नहीं लगाया था। और जब वो प्री हीट हो जाएगा तो बस उसमें डालने से लाइक आधा सेकंड पहले मैं इनो डालूंगी, क्योंकि इसे डालते ही आपको बेक करने रख देना। बेक आपको 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 या 12 मिनट ही करना है, इतना इनफ है। और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो गया है तो ये दो जो मोल्ड्स है इन्हें मैं यूज़ करूँगी। इन्हें थोड़ा सा भी ऑयल लगा लेती हूँ, ग्रीसिंग बोलते हैं जिसे, तो वो कर लेते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें रखते हैं जब तक मेरा जो ये एयर फ्रायर है वो हीट हो जाता है। बिस्किट केक की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। और जैसे कि आपने मुझे देखा ही इन्हें निकालते हुए, ये इस तरह से बने हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है, लाइक इट्स वेरी स्पॉन्जी गाइस। और बहुत इजीली कुक हो जाते हैं और ये किसी नॉर्मल केक से कम नहीं दिख रहे गाइस। अगर मैं इस पर अच्छे से आइसिंग वगैरह कर दूँ तो ये बहुत अच्छा हो सकता है ना। ओके। सो ये देखिए अंदर से बहुत नाइसली पक गया है और अनिका दिखा कर दिखाएगी और बताएगी कि कैसा है। आपको गर्म है तो टेस्ट नहीं समझना। अच्छा गर्म है क्या, पर मैंने पूरा ठंडा किया है। चलो अंदर से गर्म होगा। अच्छा मैं चलिए मैं ट्राई करती हूँ। बहुत स्पॉन्जी है ना, सॉफ्ट। शाम के बज रहे हैं 4 और मैं आज बना रही हूँ नान खटाई। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने जमा कर लिए हैं जो भी लगने वाले हैं। अभी मैं पीसूंगी चीनी, और मेरे पास इलायची पाउडर नहीं है इसलिए मैं चीनी में ही जो इलायची के दाने हैं ना उन्हें डाल दूंगी, जिससे क्या होगा ना कि मेरी इलायची चीनी के साथ पीस जाएगी और मुझे
इलायची का पाउडर नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। नान खटाई अगर आप बनाना चाहते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपको बहुत काम ताम झाम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ये देखिए इतनी चीनी ली है मैंने, एक कटोरी पूरी ली है, एक कटोरी से कम है। और यहाँ पर मैं इलायची के दानों को छील कर डाल दूँगी, और ये इलायची के छिलके को निकालना है। और जितना आपको फ्लेवर चाहिए उतना ही इलायची डालिए, ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं देखिए लगभग आधा कटोरी घी डाल रही हूँ। आप बटर डाल सकते हैं या तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा रिच हो जाएगा। और मैं वापस इसे मिक्सर में घुमा लूँगी, जिससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम मस्त हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये बहुत अच्छे से बन गया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी लगभग, ये मेरा बड़ा चम्मच है इसलिए आधा ही चम्मच डाल रही हूँ, अगर आपका छोटा है तो एक डालिएगा। तो ये मैंने इसे छान दिया। इसके बाद दो बड़े चम्मच बेसन, ठीक है, बेसन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं स्वादानुसार, मैं यहाँ पर बस इतना ही लूँगी। यहाँ पर मैंने एक बड़ा कटोरी मैदा लिया है, तो इसे भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए डालूँगी। अब इस सारे मिक्सचर को एक बार फिर से पीस लूँगी। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो गया मिक्सचर तो हल्का सा आप दूध डाल सकते हैं। ओके, तो मैं इसे अच्छे से गूंथ ले रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत लग रही है, बट थोड़ी देर बाद ये अच्छे से आटे जैसे हो जाएगा। ये देखिए बन गया है नाइसली। अभी इसके हम छोटे छोटे बिस्किट यानी नान खटाई बना लेंगे। हैप्पीनेस। खटाई यहाँ पर तैयार है अंदर जाने के लिए ओटीजी के, और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं ऊपर और थोड़े से कट्स भी दे दिए हैं, जिससे ये नाइसली अंदर से भी कुक हो जाए और बहुत ही खूबसूरत लगे। किसी किसी पर मैंने बादाम लगाया है, किसी पर मैंने पिस्ता लगाया और किसी पर मैंने सगा बादाम लगा दिया है। तो चलिए इसे डालते हैं। इसे मुझे 180 डिग्री सेल्सियस के लिए ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट के लिए
ओटीजी में डालना है। ओके, देखिए नान खटाई तो कुक हो रही है। ये सारी प्रिपरेशन करने में मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए हैं, तो आई थिंक 15 से 20 मिनट में ये पकी जाएंगे, राइट? नान खटाई मेरे हाथों में है, इसकी जो खुशबू है ना, ओह माय गॉड, क्या मैं आपको बताऊँ। और मैं इसे ठंडा होने का ही इंतज़ार कर रही थी, और कलर की कोटिंग भी बहुत अच्छे से आई है। राज थोड़ा सा बाहर गए हैं, नहीं तो मैं उन्हें सबसे पहले खिलाती। मैं देखती हूँ कैसा लग रहा है, मेरी लाइफ की फर्स्ट नान खटाई है ये। वाओ, इधर दिखाओ, सबको बताओ। बहुत कड़क है, अच्छा। नान कड़ाई थोड़ा ऐसे ही होता है, थोड़ा सा कड़क है। देखो आगे बताओ, पानी पीने जा रही है। बहुत अच्छा बना, इसका रिव्यू राज देंगे। तो मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक। चॉकलेट केक अनिका की डिमांड है, तो सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर दी है। ओके, तो ये रहा मेरा बाउल, मिक्सिंग बाउल, और यहाँ से कैसे कैसे मैंने इसकी वायर पूरा खरीद से यहाँ पर लाया है। तो एक कप मैं मिठाई मेड ले रही हूँ, आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। तो ये डाल दिया मैंने। इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये मिठाई मेड खाने में बड़ी मज़ा आती है। ओके, अब मुझे चाहिए लगभग इतना बटर, थोड़ा सा। अगर आपने एक कप मिठाई मेड ली है तो 3/4 आपको बटर लेना है। और अभी हम इसे मिक्स करते हैं। मैंने जो केक रखा है बेक करने के लिए, उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल चुकी है, और ऑलरेडी वो मस्त फूलते जा रहा है। अब मैं चॉकलेट गनाश बनाऊंगी, जो कि हम लोग चॉकलेट केक पर लगाएंगे। तो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। चलिए बनाते हैं। तो देखिए केक जो है मेरा अच्छे से फूल चुका है, कोटिंग भी बहुत अच्छे से हो चुकी है उसके ऊपर, जो आप देख ही पा रहे हो। जब बाहर निकालूंगी तो अच्छे से और देख लेना आप। और मैंने जो चॉकलेट ग्लनाश है वो बनाकर फ्रीजर में रख दिया है, जिससे वो जमा रहे, और मुझे लगता है लगभग 1 मिनट ही लगेगा।
ये देखिए पल्स मैंने डाला ऊपर से, वाओ देखिए फोकस कैमरा, यहाँ पर फोकस करो, ये देखिए और डालना, पहले इतना ही खा लेते हैं, अच्छा लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं ओरियो केक इन लाइक जस्ट क्विकली, बहुत फटाक से बन जाता है। ओरियो केक बनाने के लिए मैंने ये वाले ओरियो का यूज़ किया है, तो आप भी देख लीजिए कि मैंने चॉकलेट वाला जो बिस्किट विद वाइट क्रीम वाला ही लिया है, तो अब मैं इसमें से 2 पैकेट्स का यूज करूँगी। तीन बड़े चम्मच शुगर, इसे पीस कर पाउडर कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो ओरियो बिस्किट है उसका मैंने फाइन पाउडर बना लिया है, और लगे हाथ इसी में मैंने चीनी भी पीस ली थी, बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा रिच टेस्ट देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा क्रीम डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, और हमें एक भी लम्स इसमें नहीं बनाने हैं, इसलिए बैटर जो है कंसिस्टेंसी उसकी एकदम स्मूथ होनी चाहिए। ओके, तो जो मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो तो एकदम बन चुकी है, मस्त एकदम, दिखाती हूँ मैं आप सभी को। अब मैं बस एक जो माइक्रोवेव का कंटेनर है उसे अच्छे से वो कर लूँगी, ग्रीसिंग कर लूँगी, और उसके बाद इसे उसमें डाल दूँगी। मैं सोच रही थी कि फ्रायर का इस्तेमाल करूं, बट मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरी ये जो रेसिपी है ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं माइक्रोवेव के साथ ही बनाऊंगी। फ्रायर के साथ फिर कभी ट्राई करूंगी, फिर एक बार मैं और वो दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर मैं फ्रायर का यूज़ करूंगी, अभी माइक्रोवेव ठीक है। Thoughts come in but nothing comes out, I'm still trying to feel on top, wishing all the shit would just come to a stop. मैंने केक जो है 4 से 4.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डाल दिया है 180 डिग्री पर, और उससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं तो वो जल ना जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो बिस्किट का केक है। तो अच्छा खासा फूल गया है, और एक बार मैं निकाल कर नाइफ़ टेस्ट कर लूँगी। आप सभी को पता होगा कि नाइफ़ अगर आप डालते हो और कुछ चिपका हुआ निकल गया तो उसे थोड़ा और कुक करना है, नहीं निकला क्लीन निकला तो इट्स कुक, तो बस उतना करूँगी एंड केक तैयार है। सो ये केक जो है एकदम तैयार लग रहा है, और इसने जो अपने कॉर्नर्स है वो भी खुद ही छोड़ दिए हैं, और काफ़ी स्पॉन्जी बना है ये फील हो रहा है। सो अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इस प्लेट में। तो यहाँ पर ये जो केक है नाइसली प्लेट में आ चुका है विदाउट कोई मेहनत, और काफ़ी स्पॉन्जी बना है, परफेक्ट लग रहा है। और अब मैं इसे अपनी तरफ से डेकोरेट करूँगी, आप जैसे भी इसे डेकोरेट करो कर सकते हो। लास्ट टाइम मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी विप क्रीम के साथ, इसलिए इस बार नो विप क्रीम। मैं नीचे के केक शॉप पर भी गई थी कि मुझे विप क्रीम दे दो भैया थोड़ा सा, पर भैया ने मना कर दिया, ही सेड कि नहीं हम लोग विप क्रीम नहीं देते। मैंने बोला भैया 50, 60, 100 रुपये का तो दे दो। आई वॉज लाइक भैया दे दो, भैया वॉज लाइक नो। मैंने बोला ठीक है भाई मत दो।
तो फिर मैं बस चॉकलेट सिरप यूज़ करने वाली हूँ और कुछ जैम्स और ओरियो, मतलब बच्चों का केक है इसलिए बच्चों जैसे, नहीं तो आप इस पर नटेला लगा सकते हो, चोको चिप्स डाल सकते हो, कुछ वेफल्स लगा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अगर बड़ों का केक है, बट ये बच्चों का है तो हम थोड़ा सा बच्चों वाला लुक करेंगे। से ताली मार रही है। हाँ सही। यम्मी।